मजदूरी का तात्पर्य ये होता है कि जब किसी श्रमिक को उसके श्रम के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। यानी श्रमिक को जो मजदूरी प्राप्त होती है वो वास्तव में एक प्रकार का रिवार्ड है, प्रतिफल है, किसका? उसके श्रम का। तो श्रम का प्रतिफल जो होता है, रिवार्ड जो होता है, वो मजदूरी होती है। इसके पूर्व एक कॉन्सेप्ट चलता था। पूर्व इसके कॉन्सेप्ट क्या चलता था कि श्रम दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका शारीरिक श्रम और दूसरा आपका होता है मानसिक श्रम। मानसिक श्रम हमारे समाज में एक ऐसा प्रचलन है कि अगर हम कह दें कि मजदूरी हमको इतनी मिल रही है तो लोग समझते हैं कि आपने कोई शारीरिक श्रम किया होगा, इसके प्रतिफल में आपको मजदूरी मिली। क्योंकि मानसिक जो मजदूरी है उसके प्रतिफल में हमारे दिमाग में यह बैठा कि उसके प्रतिफल में हमको वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, क्लासिकल एक अप्रोच काम किया और क्लासिकल अप्रोच ने कहा कि दो प्रकार का बेसिकली श्रम पाया जाता है। एक हमारे पास होता है शारीरिक श्रम और दूसरा हमारे पास होता है मानसिक श्रम। मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम का प्रतिफल को उन्होंने मजदूरी की संज्ञा दी थी, यानी शारीरिक श्रम के बदले, और उन्होंने कहा था कि मानसिक श्रम के बदले जो भी प्राप्त होता है वो वेतन कहलाता है। ठीक है, लेकिन आज ये दोनों कॉन्सेप्ट हम सेम लेकर के चलेंगे और दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग वेज कहेंगे, मजदूरी के नाम से जानेंगे। यानी यहां पर हम जो बाइफरकेट करते हैं वो बाइफरकेट हम नहीं करते। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट में आपने देखा किसी वस्तु का डिमांड एंड सप्लाई डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट हम लोग डिमांड एंड सप्लाई करते हैं, बट मजदूरों की जो मांग होती है, जो श्रमिक की मांग होती है, श्रम की मांग जो होती है वो वास्तव में डायरेक्ट नहीं होती है। ठीक है, श्रम की मांग जो होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से जुड़ी हुई होती है। अगर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप श्रम की मांग बढ़ेगी। अर्थात जो श्रम की मांग है वो एक प्रकार से इनडायरेक्ट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से श्रम की मांग डिपेंड करता है, डिमांड ऑफ लेबर। अर्थात हम कह सकते हैं डिमांड ऑफ लेबर ड्राइव्ड डिमांड है। ड्राइव्ड वर्ड यूज किया गया, DRIVED, ड्राइव्ड डिमांड या व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात कभी इसकी प्रत्यक्ष मांग ना होकर के व्युत्पन्न यानी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से इसकी मांग उत्पन्न हुई। वस्तुओं तथा सेवाओं से की मांग बढ़ने के कारण श्रम की मांग बढ़ी है, इसलिए इसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। याद रखना एक वर्ड होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मांग का मतलब होता है कि अगर आपको रिलेशनशिप कुछ ऐसा मिले P=1/D तो इसको इनवर्स डिमांड फंक्शन कहते हैं। व्युत्क्रम नहीं, व्युत्पन्न, आधा ता पा, आधा ना और पूरा ना, व्युत्पन्न डिमांड ना कि व्युत्क्रम। ठीक है, तो इसको ड्राइव डिमांड की संज्ञा देते हैं। तो एग्जाम्स में पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स में पूछा गया कि श्रम की मांग किस प्रकार की है, तो पहला ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष मांग, दूसरा था अप्रत्यक्ष और तीसरा ऑप्शन आपका था व्युत्पन्न। वास्तव में अप्रत्यक्ष आपका काफी हद तक सही था, लेकिन व्युत्पन्न वर्ड देने के कारण आप कहोगे सबसे एग्जैक्ट आंसर थर्ड था, इसलिए व्युत्पन्न मांग जो होता मांग वक्र होता श्रम का मांग वक्र। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम जो यहाँ पर श्रम की मांग शब्द का प्रयोग करेंगे हम तो डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि हम ड्राइव्ड डिमांड ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं। ड्राइव्ड डिमांड ऑफ लेबर की बात करेंगे, डिमांड ऑफ लेबर यानी व्युत्पन्न है, श्रम की मांग उत्पन्न होती किसी और से, उसको हम कहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि जो श्रम जो जो मजदूरी का निर्धारण का सिद्धांत है वो कई सिद्धांत है, और आजकल जो हमारा एग्जाम का सबसे ज्यादा पैटर्न चालू हुआ वो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत पहले आया, इसको क्रम में लगाओ। याद रखना सबसे ज्यादा खतरनाक पैटर्न अब फॉलो हो रहा है,
सारे सिद्धांत को आपको ओवरव्यू करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करिए कि उनको ईयर वाइज ओवरव्यू करिए तो मस्त बेटर रहेगा। अगर ईयर वाइज नहीं तो कम से कम क्रम वाइज आपको आना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा सिद्धांत बना, फिर कौन सा सिद्धांत बना, तो सारे सिद्धांत का ओवरव्यू आपको आना अनिवार्य है। तभी मैच द फॉलोइंग कर पाओगे, तभी क्या हो जाएगा, आप अदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आज हम बताते हैं मजदूरी के अंतर्गत सबसे पहला सिद्धांत जो डेवलप हुआ वो 1870 में जो डेवलप हुआ, और इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए जीवन स्तर सिद्धांत और अधिक आदि सिद्धांत प्रचलित रहे, यानी 1870 के आसपास ये सारे सिद्धांत प्रचलित रहे। इन सारे सिद्धांतों को हम अब आगे आकर के चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉपुलर सिद्धांत था वो था वेज फंड थ्योरी, जो डेवलप किया गया था प्रोफेसर जे एस मिल द्वारा। जे एस मिल ने पहला सिद्धांत जो डेवलप किया, इस सिद्धांत के अनुसार जे एस मिल ने बताया कि मजदूरी का निर्धारण वास्तव में, एक मिनट, मजदूरी का निर्धारण जो था वो सबसे पहले हम डेवलप करते हैं, सब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो हमारा सिद्धांत आता है जीवन निर्वाह सिद्धांत के नाम से जाना गया, और इसे हम लोग आयरन लॉ ऑफ वेज के नाम से जानते हैं। सबसे पहला सिद्धांत ये डेवलप हुआ 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के मध्य, सिद्धांत डेवलप हुआ, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक टरगाट, इस सिद्धांत के परिवर्तक टरगाट है। जीवन निर्वाह सिद्धांत अर्थात एक व्यक्ति को मजदूरी इतनी प्राप्त होती है कि वो जीवन निर्वाह के बराबर होती है, जीवन निर्वाह के बराबर होती है। इन्होंने ये माना कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ती जाती है, और जनसंख्या जब तेजी से बढ़ती जाएगी और दूसरा उत्पादन में यानी कृषि उत्पादन में ह्रास नियम कार्य करेगा, ह्रास नियम कार्य करेगा, तो लास्ट में हमको केवल मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होगी जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके। तो टारगाट ने ये जो है लॉ सिद्धांत कहते हैं इसे जीवन निर्वाह सिद्धांत, या हम लोग मजदूरी का लॉ सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, मजदूरी का लॉ सिद्धांत, ठीक है, मजदूरी का लॉ सिद्धांत या जीवन निर्वाह सिद्धांत है जो पहली बार टारगाट ने डेवलप किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे, ये भी एग्जाम में बड़ा पूछा जाने लगा, प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे और ये यूरोप में डेवलप हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को मजदूरी उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही प्राप्त होती है। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट अपने सिद्धांत में लिए कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ती रहती है और जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन ह्रास नियम काम करता है, अर्थात एक व्यक्ति को मजदूरी उसका जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही मिलेगी, ना तो उससे ज्यादा मिलेगी ना तो उससे कम, अर्थात जिससे आप जीवन चला सके, उतनी मजदूरी मिलेगी जिससे जीवन चला सके, ठीक है, और नहीं। बाद में ये थ्योरी को डेवलप किया गया, अब बाद में थ्योरी में आगे सिद्धांत बना जीवन स्तर सिद्धांत, आगे प्रचलित हुआ। जीवन स्तर सिद्धांत जब आगे प्रचलित हुआ तो इस सिद्धांत के अनुसार आपको मजदूरी केवल रहन सहन के स्तर के बराबर ही प्रदान की जाएगी, और ये सिद्धांत जो था वो टोरेंस ने डेवलप किया, टोरेंस ने डेवलप किया था, और इस सिद्धांत के अनुसार जीवन निर्वाह से ज्यादा मजदूरी आपको मिलेगी, अर्थात रहन सहन मतलब मजदूरी आपको उतनी मिलनी चाहिए, मजदूरी आपको उतनी मिलनी चाहिए ताकि आपकी वर्किंग कैपेसिटी डेवलप हो सके, ठीक है, साथ ही साथ आप भविष्य के लिए थोड़ा बहुत बचा सके, भविष्य के लिए थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। तो ये आपका जीवन स्तर सिद्धांत या रहन सहन स्तर सिद्धांत कहलाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी दैट इज डेवलप बाय टोरेंस। जीवन निर्वाह सिद्धांत के अनुसार केवल मजदूरी आपको केवल खाना खाने के बराबर मिलती है, आपको आपकी वर्किंग कैपेसिटी को डेवलपमेंट करने के लिए इतना फूड नहीं होता और भविष्य के लिए आप नहीं बचा सकते, इतनी मजदूरी इसमें नहीं दी जाती है। तो इसमें केवल आपको एसेंशियल फूड,
आवश्यक खाना ही प्राप्त मिलेगा जो जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर आपको इतनी अधिक मजदूरी दी जाती है जीवन स्तर सिद्धांत के अंतर्गत, रहन सहन सिद्धांत के अंतर्गत जो टोरेंस ने डेवलप किया कि आपको मजदूरी से अच्छा खाना, जीवन निर्वाह वाला नहीं, मजबूरी वाला खाना नहीं, बल्कि वर्किंग कैपेसिटी को डेवलपमेंट करने वाला। देखिए ये जबरदस्ती वाला क्या होता, दाल चावल रोटी, ये आपका होता जीवन निर्वाह, दाल चावल रोटी हो गया, ठीक है। लेकिन वर्किंग कैपेसिटी को इनहेंस करने वाली मजदूरी होती है जिसमें आप फ्रूट्स आप इसके अंतर्गत मिल्क भी ऐड कर सके। तो ये सिद्धांत डेवलप किया टोरेंस ने, आप याद रखना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये सभी 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य डेवलप हुए। तो पहला सिद्धांत मैंने बताया था आपका जीवन निर्वाह सिद्धांत या लव सिद्धांत, दूसरा जीवन स्तर सिद्धांत, ठीक है, और तीसरा सिस्टमेटिक डेवलपमेंट आपका यहां से हुआ, इसलिए मैंने इसमें वन नंबर डाला। जो वहां पर एक प्रकार का आइडियाज थे, इसके पूर्व सारे आइडियाज थे, उन आइडियाज को हम लोगों ने कंपाइल कर लिया, ठीक है। लेकिन यहां से हमारे जो इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने वेज थ्योरी को प्रॉपर डेवलपमेंट करने लगे, और इन्होंने सबसे पहले जेएस मिल ने मजदूरी को सिद्धांत प्रस्तुत किया, और मजदूरी को सिद्धांत के अनुसार एक मजदूर एक उत्पादक एक कोष बनाता है जिसे हम लोग मजदूरी कोष कहते हैं, और इसको इस सिद्धांत को डेवलप किया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1848 में इसको डेवलप किया गया, ठीक है। सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये 1848 में डेवलपमेंट हुआ, और इनकी अपनी पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। याद रखना, एक क्वेश्चन यहां भी बनता है, इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल शब्द किसने हटाया। जितना ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाता था पहले वो पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाया जाता, बाद में पॉलिटिकल को अलग किया गया और केवल इकोनॉमी बचा। ये आपका होमवर्क है कि आप इकोनॉमी से पॉलिटिकल शब्द कब हटाया गया, इसको आप हमको सर्च करके बताना, ठीक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने सबसे पहले वेज फंड थ्योरी मजदूरी को सिद्धांत प्रतिपादित किया, और इस सिद्धांत में क्या हुआ, ये सिद्धांत का इन्होंने अंश लाया था कहां से, एडम स्मिथ द्वारा। इसलिए अगर हम कह दें कि वेज फंड थ्योरी वास्तव में जो बीज था वो एडम स्मिथ ने बोए थे, वेज फंड थ्योरी का बीज एडम स्मिथ द्वारा बोया गया था, बाद में जेएस मिल ने इसको डेवलप किया और साइंटिफिक डेवलपमेंट करने का कार्य प्रोफेसर मिल को जाता है, प्रोफेसर मालथस को जाता है, प्रोफेसर सीनियर को जाता है, प्रोफेसर रिकार्डो को जाता है। ये चार अर्थशास्त्री इसको साइंटिफिक रूप दिए, और इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो मजदूरी को सिद्धांत कहता है कि मजदूरी का निर्धारण मांग तथा पूर्ति के आधार पर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार मजदूरी को सिद्धांत को डेवलप करने का श्रेय जेएस मिल को प्रॉपरली जाता है। लेकिन अगर कहीं आपको ऑप्शन आ जाए कि इसके बीज कहां से मिले, जेएस मिल को कहां से इसको ये डेवलप हुआ, तो आपको एडम स्मिथ याद रखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, निम्न अर्थशास्त्रियों में कौन सा अर्थशास्त्री है जो वेज फंड थ्योरी से नहीं जुड़ा हुआ है। ये चार नाम है, इस चार नाम में से एक नाम हटा करके आपको उठा दिया जाए, दे दिया जाए जॉन रॉबिन्सन। अगर हम उठा के जॉन रॉबिन्सन दे देंगे तो आप कंफ्यूज वहीं पर हो जाओगे, ठीक है। तो ये नेम आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने वेज फंड थ्योरी को डेवलपमेंट करने में काफी अधिक योगदान प्रदान किया। आगे हम बात करते हैं, तो आगे क्योंकि हम उनकी चर्चा ज्यादा डीपली नहीं करते हैं, ठीक है, डीपली करने का मतलब होता है नेट जीआरएफ, ठीक है। अगर हम देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। फिर बाद में जो आपकी थ्योरी सेकेंड थ्योरी डेवलप हुई, सेकेंड थ्योरी थी अवशिष्ट स्वायत्त सिद्धांत, द रेसिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी, जिसको जेवेंस ने डेवलप किया था। तो यह सिद्धांत 1962 में डेवलप हुआ, किसके द्वारा, जेवेंस द्वारा डेवलप किया गया, और इस सिद्धांत को हिंदी में कहते हैं अवशेष या अवशिष्ट स्वायत्त सिद्धांत,
अवशिष्ट स्वत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। रेसिड्यूल, रेसिड्यूल का मतलब होता बचा हुआ, याद रखना रेसिड्यूल का मतलब बचा हुआ। इन्होंने कहा कि मजदूरी जो होती है वो वास्तव में जब उत्पादक उत्पादन के सारे संसाधनों को बांट देता है, उत्पादन को मतलब एज अ रिवार्ड, रिवार्ड के रूप में उत्पादन के सारे संसाधनों को बांट देता, भूमि को लगान दे देता है, पूंजीपति को ब्याज दे देता, तो जो कुछ बचता है रिवार्ड देने के बाद वो मजदूरी, मजदूर को मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अवशिष्ट सिद्धांत या अवशेष वर्ड आप देखने लेना। इन्होंने कहा कि उत्पादक अपने उत्पादन को, उत्पादन के विभिन्न साधनों को पुरस्कार के रूप में बांटने के बाद जो शेष बचता है वो मजदूर की मजदूरी कहलाती है। ये आपका है द रेसिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी, प्रोफेसर जेवेंस ने इसे प्रॉपरली डेवलप किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1930 में जब प्रोफेसर मार्शल आए तो मार्शल ने थ्योरी डेवलप की, कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेज थ्योरी। और इस थ्योरी को वास्तव में सबसे पहले डेवलप किया गया था प्रोफेसर मार्शल द्वारा, और मार्शल ने जब इसे डेवलप किया 1930 में और इसको सपोर्ट किया जेबी क्लार्क ने, आपका थॉनन ने, THUNEN थॉनन ने, एंड आपके अदर अर्थशास्त्रियों ने डेवलप किया, लेकिन इनका जो बेसिकली सपोर्ट किया पहला जेबी क्लार्क ने, दूसरा थॉनन ने डेवलपमेंट किया। तो यानी तीन अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, और बेसिकली इस थ्योरी को डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो प्रोफेसर मार्शल को जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि किसी श्रमिक की मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी, सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। तात्पर्य क्या हुआ कि लास्ट इकाई लेबर की जो हम लगाते हैं उससे जितना उत्पादन प्राप्त होता है, जैसे 100 उत्पादन प्राप्त हुआ तो हम उसी के बराबर मजदूरी या वेज देते हैं। यानी किसी इंडस्ट्री में अंतिम उत्पादन, अंतिम श्रमिक को लगाने के बाद जितना उत्पादन प्राप्त होता है उसी के बराबर सदैव मजदूरी होती है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी थी कि अंतिम इकाई के बराबर ही एक उपभोक्ता मूल्य देने को तैयार होता है, उसी प्रकार मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत ये कहता है कि अंतिम श्रमिक, लास्ट श्रमिक को लगाने के परिणाम स्वरूप जितना उत्पादन प्राप्त होता उसी के बराबर हम मजदूरी देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेसर डेवलप किया था जेबी क्लार्क, थॉनन, और बेसिकली ये श्रेय जाता है प्रोफेसर मार्शल का। दिस थ्योरी डेवलप क्या कब हुई, 1930 में हुई। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेज थ्योरी को अगर मैं डायग्राम से देखता हूं तो हमने देखा था परिवर्तनशील अनुपात नियम के अंतर्गत कि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा था, उल्टा यू आकार कर रहा था। हमने बताया था कि औसत उत्पादन पहले बढ़ता है फिर मैक्सिमम होता फिर घटने लगता, अगर आपको याद हो परिवर्तनशील अनुपात नियम। ठीक है, और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यह कहता था कि पहले सीमांत उत्पादकता तेजी से बढ़ता है, गोइंग ऑन मैक्सिमा अधिकतम पर जाने के बाद क्या होता है, गिरने लगता है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन। औसत कहते आय उत्पादकता, सीमांत आगम उत्पादकता, आय आगम उत्पादकता के कहते हैं। अब प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि सीमांत उत्पादकता के बराबर ही हम मजदूरी देते हैं, यानी जहां पर सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारे पास होती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मान लीजिए एवरेज वेज इक्वल टू मार्जिनल वेज लाइन है जो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, जैसे AR इक्वल टू MR था, आपने देखा होगा AR इक्वल टू MR था, उसी प्रकार औसत मजदूरी तथा सीमांत मजदूरी आधार अक्ष के समांतर हो जाती इन द परफेक्ट कंपटीशन। आपको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने सारी की सारी थ्योरी परफेक्ट कंपटीशन के अजम्पशन पर किया, और ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने भी इसको परफेक्ट कंपटीशन मान लिया। और परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत इन्होंने कहा कि ये पॉइंट है जहां पर मार्जिनल वेज इक्वल टू, कहां पर मार्जिनल वेज
अंतिम श्रमिक की मजदूरी और सीमांत उत्पादकता दोनों बराबर है, hence E will be equilibrium point, और यहां से अगर मैं लंब डाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं श्रमिकों को कितना लगाऊंगा। तो एक उत्पादक ओएल श्रमिकों को लगाएगा, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेज थ्योरी कहती है कि एक श्रमिक को उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी का भुगतान किया जाता, सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये आपका सीमांत उत्पादकता सिद्धांत याद हो गया होगा। एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, ये कब डेवलप हुआ? 1930 में। किसने डेवलप किया? क्लासिकल अर्थशास्त्र ने। इसको सपोर्ट करने वाले निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री हैं? या एग्जाम में पूछा जाता सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से निम्नलिखित अर्थशास्त्री नहीं जुड़े हैं। पहला मार्शल, आपको याद है? हाँ सर, ये मार्शल ने, सर ने बताया। दूसरा जेबी क्लार्क। तीसरा आपका थुनन। और चौथा मैं रॉबिन्स डाल दू, रॉबिन्स डाल सकता हूँ, एडम स्मिथ डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। तो आपको ये 3 नाम याद होने बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन जो बहुत अधिक पॉपुलर होता है यहाँ पे बनता है, और नेट जीआरएफ तक में आप देखना, अगर ये ऑर्डर आपने याद किया है, इस तरह याद किया, तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी चीज क्या होती है कि मजदूरी कहाँ पे निर्धारित होगी? आप याद रख लेना कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी MRP जहां पर क्या हो जाएगा, मार्जिनल वेज के बराबर हो जाएगा, वहां पर मजदूरी का निर्धारण हो जाएगा। और अगर दीर्घकाल की बात करते हैं तो दीर्घकाल या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम बात करते हैं, तो जहां पर एवरेज वेज इक्वल टू मार्जिनल वेज इक्वल टू आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन के बराबर होगा, वहां पर संतुलन में होगा। इस तरह की आपको एक लाइन दिखाई पड़ेगी। ठीक है, यानी चारों पॉइंट बिंदु पर चारों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। केवल इससे ज्यादा आज तक मैंने कोई एग्जाम दिया है, इससे 4 क्वेश्चन से ज्यादा कभी नहीं पूछे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में मार्जिनल सीमांत उत्पादकता ऑफ वेज, आप एक याद करने का तरीका, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी जगह आप इक्वल लगा दो, आपकी जगह आपने इक्वल लगा दिया, सीमांत उत्पादकता बराबर वेज सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इट इज डेवलप बाय मार्शल, 1930 में डेवलप किया गया। बात खत्म यहीं पर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा, अब मेरा टॉपिक नेक्स्ट है 1930 के बाद की। जब मैं चर्चा करता हूं तो 1930 के बाद हमारे पास इकोनॉमिस्ट आए और इसको साइंटिफिक रूप देने लगे, और जिसका नाम हो गया मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज। और मॉडर्न थ्योरी जो थी वो डिमांड एंड सप्लाई के नाम से जानी गई। तो सबसे याद रखना, पहला पॉइंट याद रखना कि मॉडर्न थ्योरी कब डेवलप हुई? 1930 के बाद। ठीक है, याद रहेगा आपको। दूसरी, मॉडर्न थ्योरी क्या है? डिमांड एंड सप्लाई दोनों पक्ष की बात करता है। डिमांड एंड सप्लाई, किसकी डिमांड? लेबर की डिमांड, श्रमिक की मांग एंड श्रमिक की पूर्ति। जहां पर श्रमिक की मांग तथा श्रमिक की पूर्ति बराबर हो जाती है, वहीं पर वेज का निर्धारण हो जाता है, मजदूरी का निर्धारण हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि श्रम की मांग क्यों हम करते हैं, श्रम की मांग हम लोग क्यों करते हैं? पहला प्रश्न उठता है, श्रम की मांग हम लोग क्यों करते हैं? तो पहला तो अभी मैंने डिस्कस किया कि श्रम की मांग ड्राइव्ड होती है, यानी व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ती है। वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ने के कारण क्या होता है? श्रम की मांग बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि श्रम की मांग क्या होती है? प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष होती है, इसे हम ड्राइव्ड डिमांड के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक और बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता। और श्रम में एक और कारण होता है, श्रम में उत्पादकता का गुण पाया जाता है, श्रम में उत्पादकता का गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। ये एक्सेप्ट किया कि क्या क्लासिकल अर्थ क्रमागत उत्पादन ह्रासमान नियम,
अर्थात जैसे जैसे श्रमिक को बढ़ाते जाएंगे, उत्पादन पहले श्रमिक से 100 हुआ, दूसरे श्रमिक से 80, तीसरे श्रमिक से 60। तो सीमांत श्रमिक क्या है? तीसरा श्रमिक है, और सीमांत श्रमिक के बराबर ही हम उत्पादन यानी मजदूरी देंगे। ये प्रोफेसर मार्शल ने मुझे अभी बताया था। तो श्रम की मांग इसलिए की जाती है कि श्रम में एक गुण पाया जाता है उत्पादकता का, और अगर मैं श्रम की मात्रा लगातार बढ़ाता चला जाऊंगा तो उससे मिलने वाली सीमांत उत्पादकता घट जाएगी। पहला श्रमिक मुझे 100 की उत्पादकता दे रहा, 100 यूनिट की, दूसरा 100 रुपए के बराबर, मान लो पहला एक श्रमिक मैंने लगाया, कितना उत्पादन दिया 100 रुपए के बराबर, दूसरा श्रमिक दिया 80, तीसरा 60, चौथा 40, पांचवा 20 और छठा 0। अर्थात मैं एक विवेकपूर्ण उत्पादक हूं, मैं कभी भी 6 श्रमिक के छठवां श्रमिक को लाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगाने के बाद कुल उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, आ रहा है बैठा है पूरा दिन, या उसके जो हमारा जितना वर्क होता था, जितना मेरा घर बनता था, वो 5 श्रमिक जितना बनाते थे उतना छठवां बना रहा है छठवां को लाने के बाद। तो मैं क्यों रखूं विवेकपूर्ण उत्पादक? कभी नहीं रखेगा। अब दूसरा प्रश्न, अगर मार्केट में मजदूरी 20 रुपए हो तो आप कितने श्रमिक लाओगे? अगर मार्केट में मजदूरी कितनी है 20 रुपए तो आप कितने श्रमिक लाओगे? आप कहोगे सर मैं 20 पे 5 श्रमिक लगाऊंगा अपने उत्पादन में। क्यों? पहले को मैं 20 देता हूं तो मुझे उत्पादन कितने करके देता है 100 रुपए का, मुझे देना कितना पड़ता है 20, तो मुझे 80 का बेनिफिट है। लेकिन पांचवे में सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी देनी है तो मैं 20 रुपए में 5 श्रमिक लगाऊंगा। ठीक है, एक मिनट इसको साफ साफ लिख लेते हैं। 20 रुपए के रेट से, अगर 20 रुपए के रेट से आप कितने श्रमिक लगाओगे 5। अगर मैं कह दूं कि 80 रुपए मजदूरी हो गई है तो आप कितने श्रमिक लगाओगे? आप कहोगे सर सीमांत उत्पादकता दूसरी इकाई पर 80 है, अतः मैं केवल 2 श्रमिक लगाऊंगा 80 रुपए के रेट पर, केवल 2 श्रमिक लगाऊंगा। तो यहां पर थ्योरी देखो आपको डेवलप हो गई कि जब मजदूरी का स्तर कम होता है तो श्रमिक की मांग ज्यादा होती है। जब मजदूरी का स्तर 20 था तो श्रमिक की मांग 5 थी, लेकिन जब मजदूरी का स्तर बढ़ता है तो श्रमिक की मांग घट जाती है। यानी डिमांड ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ वेज। अगर मजदूरी ज्यादा है तो कोई भी व्यक्ति कम श्रमिक को लगाएगा, और मजदूरी कम है तो अधिक व्यक्तियों को श्रम में लगाएगा, डिमांड करेगा। ये थ्योरी देखिए मैं आपके सामने अभी जनरेट करके डेवलप कर रहा हूं। अब बात करते हैं प्रतियोगी बाजार। प्रतियोगी बाजार वो बाजार होती है जहां पर श्रमिक की मांग जहां श्रमिक की पूर्ति के बराबर होती है। अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, और श्रमिक की मांग वेज का मजदूरी का ऋणात्मक सा संबंध पाया जाता है। अगर मजदूरी मार्केट में ज्यादा है, अगर कोई लेबर कहते मैं 1000 रुपए रख लूंगा तो आप गुस्सा आ जाओगे, मेरी डिमांड 0 भी हो सकती है ना। अगर वो कहता कि नहीं साहब जो दे देना ठीक है, या 10 रुपए भी दे देना, तो अगर उसकी मजदूरी कम है उसकी डिमांड हम ज्यादा करते हैं। तो श्रम की मांग जो कि व्युत्पन्न मांग होती है वो मजदूरी के साथ निगेटिव रिलेटेड होती है, अर्थात वेज अधिक होने पर श्रम की मजदूरी श्रम की मांग कम होगी, तथा मजदूरी कम होने पर श्रम की मांग अधिक होगी। इस प्रकार मैंने पॉइंट्स क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यह ड्राइव्ड डिमांड होती है। ड्राइव्ड डिमांड का मतलब होता है व्युत्पन्न मांग होती है, व्युत्पन्न मांग होती है, अर्थात श्रम की मांग प्रत्यक्ष नहीं होती है बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से जुड़ी हुई होती है, वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग से जुड़ी हुई होती है। दूसरी चीज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में अगर उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है, ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है एक्स की, तो वो श्रम बाजार को कितना ज्यादा प्रभावित करता है, श्रम बाजार को कितना प्रभावित करता है। हो सकता है एक श्रमिक 100 पैकेट कुरकुरे बना दे, मार्केट में केवल 10 बिक रहे हैं, मार्केट में 10 बिक रहे हैं और मार्केट में डिमांड बढ़ जाते 80 की, तो आप श्रमिक की मांग नहीं बढ़ाओगे क्योंकि एक श्रमिक ही सफिशियंट है कुरकुरे बनाने के लिए। तो डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी कैसी है। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर इलास्टिसिटी कम है तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। इट विल बी डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी। अगला है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हो सकता है आपके साथ क्या होते हैं श्रम के साथ क्या पूंजी लगी हो, श्रम के साथ पूंजी लगी हो, मार्केट में डिमांड बढ़ी किसकी कुरकुरे की और उत्पादक ने श्रमिक को ना लगा करके पूंजी
क्यूबिक को न लगा के, तो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन अर्थात श्रम की जगह उसने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, पूंजी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। आप ये नहीं कह सकते कि सर देखिए मार्केट में वस्तु की मांग बढ़ी है, श्रम की मांग नहीं बढ़ी, आपने वेज सिद्धांत में बताया था, तो मैं कहूंगा दूसरे कोई उत्पादन के संसाधन को लगा दिया होगा उत्पादक ने, उसने पूंजी को लगा दिया। क्यों? क्योंकि श्रम की जगह पूंजी इफिशियंट रही होगी, इसलिए सब डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर मान के चलो विराट कोहली है, विराट कोहली की अर्थ लगातार अंतरराष्ट्रीय जगत में क्रिकेट की डिमांड बढ़ रही है, और विराट की जगह अगर आप दूसरे शिखर धवन को लगा देते हो तो ये सब्स्टिट्यूशन है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में मैच की संख्या बढ़ गई लेकिन विराट की डिमांड नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि वहां सब्स्टिट्यूशन है शिखर धवन रोहित शर्मा। उसी प्रकार लेकिन एक क्रेज ऐसा आया था विराट कोहली का कि बिना विराट कोहली के क्या कोई भी टीम नहीं जाती थी। इन्होंने बताया था कि मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, सचिन तेंदुलकर ने अपने आप को प्रूफ किया था कि मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो डिग्री ऑफ अगर सब्स्टिट्यूट कोई साधन है तो याद रखना जरूरी नहीं कि डिमांड बढ़ने से श्रम की मांग बढ़ जाए। तो ये पॉइंट नोटेबल पॉइंट बन जाता है। डिमांड ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रोडक्टिविटी। मैंने क्या बताया कि डिमांड उत्पादकता पर निर्भर करती है। अगर उत्पादकता जीरो हो जाएगी तो मांग शून्य हो जाएगी, अगर उत्पादकता अधिक होगी तो मांग ज्यादा होगी। तो इस प्रकार मुझे एक डायग्राम प्राप्त होता है जो क्या कहते हैं निगेटिव स्लोप का होता है, जो डिमांड ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि जब मजदूरी आपका ओडब्ल्यू वन है, ये मजदूरी ओडब्ल्यू वन है, तो हम ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है और हमारे पास श्रम की मांग डी एल वन है। जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी गिर जाती है और ओ डब्ल्यू जीरो हो जाती है, जब मजदूरी गिर जाती है तो हम ज्यादा श्रमिकों की मांग करने लगते हैं एंड वी कम एट बी पॉइंट और हमारे पास श्रम का जो मांग है वो बढ़ करके इतना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार मजदूरी घटने पर श्रम की मांग बढ़ जाती है और मजदूरी बढ़ने पर श्रम की मांग घट जाती है। अर्थात श्रम का मांग वक्र पहली चीज तो मजदूरी पर निर्भर करता है, दूसरी चीज इट विल बी डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्टिविटी पे, उत्पादकता पे निर्भर करता है। अगर उत्पादकता, क्योंकि जैसे जैसे श्रम की संख्या बढ़ाते जाते उत्पादकता लगातार कम होती चली जाती है, इसलिए श्रम का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। ठीक है, ये दो बेसिक रीजन है कि श्रम का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है। अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर की। हर लेबर की तरह कोई भी लेबर इस दुनिया में वो क्या करता है, सप्लाई तभी देगा, काम पे तभी आएगा जब आप उसको मजदूरी दोगे। अर्थात एक लेबर मजदूरी पे निर्भर करता है, अगर मजदूरी ज्यादा होगी तो ज्यादा वहां जाएगा, ठीक है, और अगर मजदूरी नहीं होगी तो वहां पर वो नहीं जाएगा। तो जो पूर्ति होती है श्रमिक की पूर्ति, वो मजदूरी का धनात्मक फलन है। और अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी लगातार सप्लाई बढ़ती चली जाएगी और श्रम की गतिशीलता पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है। जैसे हम लोग कहते हैं श्रम, आपके पास दो लोग हैं, पहला आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपने देखा होगा मेल कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट से अगर मैं कह दूं कि पीजीटी का फॉर्म आप एमपी का डाल दो, हो सकता है सिलेक्शन आपका हो जाए, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वैकेंसी अच्छी है, आपने कहा हाँ सर मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यही प्रश्न फीमेल से पूछूं कि क्या मध्य प्रदेश का आप पीजीटी डालोगे, तो आधी लड़कियां मना कर देगी, नहीं दैट इज नॉट सुटेबल फॉर मी, भले वहां पर आपको अच्छी मजदूरी मिल रही हो लेकिन आपने मना कर दिया। तो ये है श्रम की गतिशीलता, ये पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है। गर्ल्स की, फीमेल की पूर्ति की लोच कम होती है और मेल की पूर्ति की लोच ज्यादा होती है। और यहां तक मेल कहते हैं जहन्नुम में भी नौकरी मिलेगी तो हम चले जाएंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फीमेल के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो हर जगह पर जॉब नहीं कर सकती, उनके पास एक परिवार होता है, उनकी फैमिली होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए उनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है इन द प्रेजेंट इंडिया। मैं प्रेजेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका केरला की लड़कियां फॉरेन भी जाती हैं, आपने देखा होगा, तो वो बात नहीं है। मैंने कहा ना हम ट्रेडिशन से बंधे हुए हैं। तो श्रम की गतिशीलता पूंज आपकी श्रमिक की पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है। आपका जो जेंडर वाइज अगर मैं डिस्कशन करूं तो भारत में मेल की गतिशीलता, मेल देखोगे दिल्ली मुंबई गुजरात सूरत में अधिकतर मेल लेबरर ज्यादा मिलेंगे, फीमेल क्यों मिलेंगे, क्योंकि आज भी हमारे समाज में उतनी अधिक लिटरेसी नहीं है, इसलिए पूर्ति की लोच जेंडर
जेंडर के आधार पर अलग अलग पाई जाती है। क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं पूर्ति वक्र का पश्चिमांकन। आप एक बात हम करते हैं, जो पूर्ति होती है श्रमिक की पूर्ति, मैंने अभी कहा कि इट विल बी डिपेंड अपॉन वेज। अगर मजदूरी बढ़ेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करेंगे, आपने कहा यस। लेकिन रिजल्ट ये मिला कि जब एक निश्चित लेवल पर मजदूरी पहुंचने के बाद जब लोगों की मजदूरी बढ़ाई गई तो लोगों ने काम के घंटे कम कर दिए। अब बड़ा सरप्राइज हो रहे होंगे ना कि प्रारंभ में जब हम आपसे कहते हैं कि एक काम करते हैं, आप कितने घंटे काम कर रहे हो, आपने कहा सर 6 घंटे। हमने कहा कि कितनी मजदूरी मिलती है 6 घंटे, आपने कहा 1000 रुपए। मैंने कहा कि 2000 रुपए दोगे, देंगे, कितना घंटे काम करोगे, सर बोल दीजिए, हमने कहा ठीक 12 घंटे काम कर दो। फिर आपको मैं 3000 रुपए दूं तो क्या आप 18 घंटे काम करोगे, आधे लोग कहेंगे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी की, मेरे शरीर की कैपेसिटी होती है काम और आराम, काम और आराम के बीच मुझे रिलेशनशिप बैठाना। अगर मैं 18 घंटे काम कर दूंगा तो मैं शायद 3 दिन काम नहीं कर पाऊंगा, तो जो 3000 रुपए कमाने के चक्कर में मैंने काम किया, ये सब कुछ मेरे बीमारी में खत्म हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि 4000 रुपए तो क्या हो जाएगा, लेबर काम के घंटे कम करके 10 घंटे ही कर दे रहा है। मैं 5 घंटे कर दूं तो आप हफ्ते में कहोगे केवल दो दिन आऊंगा। यूरोप की स्टडी मिली और यूरोप में देखा गया कि जब प्रारंभ में मजदूरी बढ़ी, जब मजदूरी बढ़ी तो लोगों ने श्रम के घंटे बढ़ाए, लेकिन एक लेवल के बाद जब मजदूरी बढ़ी तो श्रम के घंटे उन्होंने घटाना चालू किया और काम की जगह वो लोग अवकाश को प्रेफरेंस देने लगे। ठीक है, एक मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो होगा काम अवकाश के बीच संतुलन, जरूर देखना कभी टाइम मिले। लोगों ने कहा कि हम जिंदगी इस दुनिया में काम करने थोड़े आए हैं, 12 घंटे 14 घंटे फैक्ट्री में गुजार देंगे, हम इस प्रकृति का क्या होते लेजर, इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए आए हैं। तो जैसे वहां की मजदूरी बढ़ाई गई, वो लोग समुद्र के किनारे क्या हुआ सनसेट में बैठे हैं और धूप में बैठे हैं और क्या कहते हैं नहा रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वो हफ्ते में मात्र 2 दिन ऑफिस जाते हैं, कहते हैं हमको ज्यादा मजदूरी नहीं चाहिए, आप अपनी मजदूरी अपने पास रखो, मैं अपने लाइफ को मशीन नहीं बना दूंगा। तो जब ऐसा रिलेशनशिप प्राप्त हुआ तो इसे हम कहते हैं मजदूरी का पूर्ति का पश्चिमांकन। लोग आय बढ़ने के साथ साथ मजदूरी को प्रेफरेंस नहीं। पॉइंट डी पर आने पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास श्रम की मात्रा पहले से क्या हो गई है, श्रम की मात्रा घट गई है, अर्थात देखिए यहां से अब हम लोग श्रम की मात्रा कम करती है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करके इसमें दिखाता हूं, आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले श्रम का यह पूर्ति वक्र है, SL है, श्रम का पूर्ति वक्र है। श्रम का पूर्ति वक्र हमें यह बताता है कि यह प्रथम पार्ट इसका ढालदार है, मतलब धनात्मक ढाल का है, और द्वितीय पार्ट इसका ऋणात्मक ढाल का, यानी पीछे की ओर मुड़ रहा पश्चिमांकन है। प्रारंभ में जब मजदूरी हमारे पास W1 थी तो श्रम की पूर्ति आपका SL1 था और हम लोग A पॉइंट पर थे। जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़कर के W2 हो जाती है, मजदूरी बढ़कर के W2 हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप श्रम की पूर्ति बढ़कर के SL2 हो जाती है और हम B पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार A से B जाना, जब मजदूरी बढ़ी और मजदूरी बढ़ने से श्रमिक की पूर्ति बढ़ी, तो इस प्रभाव को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का नाम देते हैं। A से B आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जो आप इस कर्ली ब्रैकेट से देख रहे होंगे, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। वहीं जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी और बढ़ती है, मजदूरी बढ़ती है तो देखिए श्रम की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, श्रम की पूर्ति उतनी ही बनी रहती है, यानी जहां पर मजदूरी बढ़ने से श्रम की पूर्ति कोई प्रभावित नहीं हुई है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मान लगभग 0 हो गया है तथा इनकम इफेक्ट कार्य करने लगा है, लेकिन उसके लक्षण पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन जब मजदूरी हमारी बढ़ करके कितनी हो जाती है, W3 हो जाती है, तो मजदूरी W3 हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप श्रमिक काम के घंटे पहले से कम कर देते हैं। और इस लाइन को अगर मैं नीचे मिलाता हूं तो श्रमिक काम क्या होता है, श्रमिक की पूर्ति कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप जो हम ये सी से डी पॉइंट पर जाते हैं, सी से डी पॉइंट आपका ये क्या कहलाएगा, इनकम इफेक्ट कहलाएगा, अर्थात मजदूरी बढ़ने के परिणाम स्वरूप श्रमिकों ने काम के घंटे पहले से कम कर दिए।
तो ये आपका मजदूरी वक्र का पश्चिम बंकन है। इसका कारण आप बताना कि पीछे वो क्यों मुड़ता है, तो आप डायरेक्ट एक लाइन बोल देना, आय प्रभाव के कारण मजदूरी वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। मजदूरी की पूर्ति रेखा की ढाल धनात्मक क्यों होती है, आप शानदार आंसर देना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण आपका ये जो पोर्शन है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखा रहा है, इसके कारण ये ढाल धनात्मक है। आपके पास ये जो ऋणात्मक पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये इनकम इफेक्ट है, यहाँ पर इनकम इफेक्ट के लक्षण दिखाई पड़ते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं आते, लेकिन जैसे कर्व निगेटिव स्लोप लेता है यहाँ पर ढाल ऋणात्मक हो जाती है, वैसे अर्थात मजदूरी बढ़ने से, वेज बढ़ने से जब लोग काम के घंटे कम कर दें और आराम के घंटे बढ़ा दें तो समझ जाना इनकम इफेक्ट काम कर रही है, आय प्रभाव कार्य कर रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए श्रम का पूर्ति वक्र क्या होता, पश्चिम बंकन होता। पश्चिम बंकन का मतलब होता है पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता। आईएएस में सबसे ज्यादा एग्जाम आईएएस में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि श्रम की पूर्ति वक्र पीछे क्यों मुड़ा होता। पहला ऑप्शन था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण, दूसरा था इनकम इफेक्ट के कारण, तीसरा था दोनों बोथ एसई एंड आईई के कारण, और फोर्थ था ठीक है कहते हैं सप्लाई ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो इसमें ना तो ये ऑप्शन सही ना तो ये सही है, आपका केवल इनकम इफेक्ट द करेक्ट आंसर था। आय प्रभाव होने के कारण जो हमारा मजदूरी वक्र होता है वो पीछे की ओर मुड़ जाता है, और जिसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में यदि मजदूरी बढ़ती है तो पूर्ति घटने लगती है। आप सदैव यूनिवर्सल टू मत समझ लेना कि सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ वेज, अगर वेज बढ़ेगी तो सदैव सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, यह यूनिवर्सल ट्रू नहीं है। लेबर के रेस्पेक्ट में अर्थव्यवस्था में एक निश्चित स्तर के बाद मजदूरी जब बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति घटने लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं श्रम की पूर्ति का पश्चिमंकन नाम देते हैं। तो क्लियर हो गया कि श्रम का पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होता है। नॉर्मल हम वर्ड यूज करेंगे धनात्मक, लेकिन आप समझ जाना कि इसमें सब कुछ इंक्लूड है। ओके ठीक है, तो मैंने डिमांड करो अभी ये स्टडी किया, सप्लाई जहां पर दोनों बराबर होते हैं वहां पर मजदूरी का निर्धारण हो जाता है, अर्थात यह डिमांड ऑफ लेबर है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है। मैंने पश्चिम बंकन वाला पार्ट छोड़ दिया क्योंकि वो एक प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरी है, मतलब वो स्पेशल कंडीशन में स्टडी कर रहे हैं। नॉर्मल लाइफ में तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास है, तो जहां पर सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर बराबर हो जाती है वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है और यहीं पर मजदूरी का निर्धारण हो जाता है, डब्ल्यू मजदूरी का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं परफेक्ट कंपटीशन की, वेज डिटरमिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा होगा लेबर यूनियन होते हैं ना, आपने टैक्सी यूनियन सुना होगा, तो इसी प्रकार लेबर यूनियन होते हैं, और लेबर यूनियन क्या करते हैं मजदूरी का निर्धारण कर देते कि आपको इतनी मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेबर यूनियन मजदूरी का निर्धारण कैसे करते हैं, ये एक प्रकार की इंडस्ट्री अपने आप को बना लेते हैं। ये अर्थव्यवस्था में कितनी श्रम की मांग है डीएल है, कितनी श्रम की पूर्ति है कितनी एसएल है, दोनों जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाते हैं उसको अगर हम लंब अक्ष से मिला देते हैं तो ये मजदूरी है, और इस मजदूरी को फर्म को दे देते हैं कि आप ए डब्ल्यू इक्वल टू एम डब्ल्यू ही ये मजदूरी पर आप अपना उत्पादन करो। तो सारी फर्मों को इसी जो लेबर यूनियन ने दिया है मजदूरी, इसी मजदूरी पर क्या होता अपने लाभ को अधिकतम, लाभ को सामान्य या हानि की अवस्था को फेस करना पड़ता है। तो ये जो मजदूरी होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जब अर्थव्यवस्था में मांग वक्र या मजदूरी वक्र आधार अक्ष के समांतर होता है, आधार अक्ष के समांतर होता। तो इस प्रकार हम लोग ये देख सकते हैं। अब यहीं पर ये क्या होती है, एक फर्म क्या करेगी, ये जो मजदूरी प्राप्त हुई है यहां से इस मजदूरी वक्र को हम आधार अक्ष के समांतर प्राप्त करते हैं, और इसके आधार पर अब हम लोग निर्धारित करेंगे कि किस कंडीशन में। तो पहला मैं लेके चलता हूं नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन ऑफ द मजदूरी के बराबर होती है तो हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन करते हैं, लेकिन जब चारों चीज बराबर होती है, मैं आपको अभी बता चुका हूं कि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन,
मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन, मार्जिनल वेज एंड एवरेज वेज अगर चारों बराबर हैं तो समझ जाना अर्थव्यवस्था में नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी जितना उत्पादन प्राप्त कर रहा है। ये मार्शल की कंडीशन है, सीमांत उत्पादकता नियम। ये देखिए सीमांत उत्पादकता नियम यहाँ से प्रूफ है कि अंतिम इकाई श्रमिक को लगाने के बाद हमको जितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ उसी के बराबर मजदूरी दे रहे हैं। तो सामान्य यानी नॉर्मल प्रॉफिट के अंतर्गत क्या होता है, चारों बराबर होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री ने यानी लेबर यूनियन ने मुझे यहाँ पे मजदूरी का निर्धारण किया संपूर्ण डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे, और इसके को कहा कि फर्म को भी इस बेस पे अपने लाभ को आप अपना अधिकतम करो, लेकिन आपको एवरेज वेज इक्वल टू मार्जिनल वेज के बराबर वेज देना अनिवार्य है। हम जानते हैं कि एवरेज जो आपका एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होता है फिर गिरने लगता है, हमने वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ थ्योरी में देखा था। इसी प्रकार आपका ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन है जो एवरेज के ऊपर से कट करके नीचे की ओर आ रहा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ में देख लेना। तो ये देखिए मजदूरी की रेखा, और ये यानी ई पॉइंट पर आप देख सकते, यहाँ पर ई पॉइंट है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन मार्जिनल वेज के बराबर है। अगर यहाँ से मैं लंब डाल दूं तो लंब डालने के परिणाम स्वरूप इतनी श्रमिक क्या इतने नंबर ऑफ लेबर इतने लगेंगे, परिणाम स्वरूप ई सामान्य लाभ है क्योंकि यहाँ पर श्रमिक से जितना उत्पादन हो रहा है यानी एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है ए आर, ये रेखा उतना ही उसकी मजदूरी है। अर्थात क्या होता है ए आर पी इक्वल टू वे एवरेज वेज के बराबर है, अर्थात अर्थव्यवस्था में नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, अर्थात केवल फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। वही अगर वेज डिटर्मिनेशन अंडर द, अभी तो मैंने यही देखा, अब अगर मान लीजिए पीपीटी में हमारी विजुअल है ना, शायद विजुअल होगी, ओके। तो इस प्रकार लॉस की अवस्था वो होती है जब श्रमिक को लगाने से मिलने वाला औसत उत्पादन, मिलने वाला औसत उत्पादन जो होता है वो वास्तव में उसके द्वारा जो मजदूरी दी जाती है एवरेज जो वेज दी जाती है एवरेज वेज का मान ज्यादा होता है। इंडस्ट्री कहती है कि नहीं हमको मजदूरी 200 रुपए चाहिए, लेकिन जो हमारे पास औसत उत्पादन है वो वास्तव में 100 रुपए के बराबर है। उत्पादन हमको औसत रूप से 100 रुपए प्राप्त हुआ और मजदूरी हमको लेबर यूनियन ने कहा कि 200 रुपए आपको देना है। तो अगर ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ती है तो हम क्या कहेंगे कि हमको लॉस हो रहा है। देख सकते हैं ये आपका क्या कहते हैं, यहाँ से आपका मजदूरी का निर्धारण हुआ डीएल एंड एसएल के बेस पर, और इसको क्या हुआ इस मजदूरी पर हमको काम करने को कहा गया। अब इसके द्वारा देखिए ये आपका एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन आपका ऊपर है इसका, इसमें देखिए, और इसके परिणाम स्वरूप ये सॉरी ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन है, ये एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन है आपका, ये एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन है। तो देखिए मजदूरी आपसे कहा जाता है कि हमको मजदूरी देने का ऑर्डर जो है वो ज्यादा मजदूरी देना है, रेड लाइन से आप देखते हो मजदूरी हमको ज्यादा देना है और औसत उत्पादन उस लेबर द्वारा हमको कम प्राप्त होता है। औसत उत्पादन कम प्राप्त होता है तो ऑटोमेटिक है कि मजदूरी मुझे 200 रुपए देनी है लेकिन प्राप्त उत्पादन मुझे कम है अतः मुझे लॉस होगा। ये तो कंफर्म है कि मुझे लॉस होगा। अब क्या होता है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन इक्वल टू मार्जिनल वेज होगी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। यहां से अगर मैं लंब डाल देता हूं तो यहां से लंब डालने के बाद मजदूरी देखिए कितनी हो जाएगी, एल ई मजदूरी है और ये प्राप्त होने वाला मेरा क्या है, ये मेरा पास एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन है। तो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन कम है, उस श्रमिक से मुझे उत्पादन कम प्राप्त हो रहा, मजदूरी ज्यादा देनी पड़ रही, तो ये जो सर्कल मैं बना रहा इस सर्कल के बराबर एक फर्म को लॉस होगा। और इसको जब मैं पैरेलल कर देता हूं और इसको मैं शेडेड कर देता हूं तो ये टोटल लॉस होगा कि मजदूरी मुझे ज्यादा देनी पड़ रही है और उससे प्राप्त उत्पादन कम है।
वही जब तीसरी कंडीशन की बात करता हूँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करता हूँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो कि एक श्रमिक मतलब श्रमिक का जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन है, श्रमिक से मिलने वाला औसत उत्पादन है वो ज्यादा हो और उनको हम जो एवरेज मजदूरी दे रहे हो वो कम हो, अर्थात श्रमिक द्वारा औसत उत्पादन मुझे 300 रुपए का प्राप्त हो रहा हो और मजदूरी देने का मुझे इंडस्ट्री ने आदेश दिया कि आप 200 रुपए की मजदूरी दे देना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि श्रम से मैं उत्पादन ले रहा हूँ 300 का रुपए का और देना पड़ रहा मात्र 200 रुपए, तो अतः मुझे 100 रुपए का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। देखिए ये देखिए आपके पास एवरेज वेज इक्वल टू मार्जिनल वेज है जो इंडस्ट्री ने आपको दिया है और इस पर आपको कार्य करना है। अब ये देखिए आपके पास एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन है, ये जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन के ऊपर पॉइंट से कट करता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ई होगा, क्यों ई होगा, एम आर पी इक्वल टू मार्जिनल वेज के बराबर, हमने बोली मार्जिनल एम आर इक्वल टू एम सी है, यहाँ पे एम सी की जगह एम डब्ल्यू है और एम आर की जगह एम आर पी हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए ऐसा मूल्य निर्धारण नहीं कर रहे हैं, उत्पादन के साधन, साधन क्या है यहाँ पर मेरा वेज है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता जब मैं यहाँ से लंब डाल देता तो इतने श्रमिक को मैं लेबर लगाऊंगा और हमारे पास जो उत्पादन होगा, तो देखिए यहाँ पर उत्पादन मुझे इतना प्राप्त हो रहा है, एल ए उत्पादन प्राप्त हो रहा है और मुझे कॉस्ट कितनी है आपके पास एल ई कॉस्ट है, परिणाम स्वरूप ये जो सर्कल मैं बना रहा हूँ इस सर्कल के बराबर मुझे प्रॉफिट मिल रहा पर यूनिट प्रॉफिट है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और जब मैं इसको लंब अच्छे से मिला देता हूँ तो मुझे ये स्टैंडर्ड पार्ट के बराबर टोटल प्रॉफिट मिल जाता है, दैट वो टोटल प्रॉफिट क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो इस प्रकार मजदूरी का निर्धारण आधुनिक सिद्धांत कहता कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जब मजदूरी का निर्धारण हमारी इंडस्ट्री कर देती है, इंडस्ट्री कुछ भी टाइप की हो सकती है, लेबर यूनियन के रूप में हो सकती है या पूरे देश में गवर्नमेंट क्या कर रहे हैंडल कर ले, गवर्नमेंट ये कह सकती है कि नहीं मजदूरी हम निर्धारित कर देंगे जैसे मनरेगा के अंतर्गत, लेकिन ये वास्तव में कोई प्रॉफिट वाला पार्ट नहीं है। तो कभी कभी देखना कि मिनिमम वेज निर्धारित होकर के सरकार कहती है कि कम से कम आपको इतना वेतन देना पड़ेगा, तो इंडस्ट्री क्या करती है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग मजदूरी का निर्धारण कर देती, उस मजदूरी पर एक फर्म को अपने लाभ को अधिकतम करना होता, एक लाभ को सामान्य करना होता या हानि की अवस्था को फेस करना पड़ता है, उसको आज हमने मजदूरी का निर्धारण प्लस मजदूरी के अन्य सिद्धांतों को समझाते हुए ये सिद्धांत कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास